दोस्तों माना जाता है कि अगर आप एक बार में 30 पुशअप्स लगा सकते हैं तो आप स्वस्थ हैं। ऐसे लोग जो कि एक बार में 30 पुशअप्स लगा सकते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा 90% तक कम हो जाता है। पुशअप्स लगाने से हमारे शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। अगर आपने लाइफ में प्लैंक किया हो तो आपको पता होगा कि प्लैंक कितने मुश्किल होते हैं। पुशअप्स प्लैंक का ही मुश्किल वर्जन होते हैं। अब जब बात करेंगे कि अगर आप रोजाना 30 पुशअप्स करते हैं तो आपके शरीर में क्या बदलाव होंगे, पुशअप्स लगाने से शरीर को क्या फायदा मिलता है और सबसे जरूरी क्या पुशअप्स के कुछ नुकसान भी हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों अगर नॉर्मल पुशअप की बात करें तो पुशअप करते समय आपका शरीर केवल आपके पैरों की उंगलियों और हथेलियों पर टिका होता है। हथेलियों से शुरुआत करते हैं। पुशअप्स करते समय हथेलियों की मसल्स मजबूत होती हैं। ये वेट लिफ्टिंग जैसा ही होता है बल्कि इसमें टेंशन उससे भी ज्यादा है। उसके बाद अगर आप पैर की बात करें तो वहां भी आपको मजबूती मिल रही है और आपका जो अंगूठे के पास का हिस्सा है वो मजबूत हो रहा है। अब बात करते हैं उस स्टेज की जब आप पुशअप्स करते हैं। आपकी कोहनी मुड़ती है और सारा फोर्स सेंटर की तरफ आ जाता है। यहां से आपको पुशअप्स का असली फायदा मिलना शुरू होता है। आपकी चेस्ट से लेकर आपकी बैक तक मसल्स की एक्सरसाइज होती है। अगर बेली फैट है तो बेली फैट पर सीधा असर पड़े करते हैं। अगर आप रोज 30 पुशअप्स करते हैं तो आप 300 कैलोरी तक बर्न कर सकते हैं। ये तो था पुशअप्स का प्रोसीजर। अब बात करते हैं उससे होने वाली कुछ ऐसे ही फायदों की जो पुशअप्स को बनाते हैं कंप्लीट एक्सरसाइज। इन बेनिफिट्स की बात डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे लॉसेस की जो कि आपको पुशअप्स के दौरान हो सकते हैं। पहला, कंप्लीट एक्सरसाइज। पुशअप करने से आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज होगी, हालांकि ये आधा सच है। दरअसल पुशअप करने से अपर बॉडी की तो पूरी एक्सरसाइज हो जाती है लेकिन लोअर बॉडी पर उतना फायदा नहीं हो पाता। आपके कंधों से लेकर एब्स और बेली फैट पुशअप्स का फायदा हर तरफ। अगर आप रोजाना 30 पुशअप कर रहे हैं और एक औसत फिट बॉडी चाहते हैं तो आपको और कोई कसरत करने की जरूरत ही नहीं है, पुशअप से ही आपका काम हो जाएगा। दूसरा, बैलेंस। पुशअप करते समय आप केवल अपने अंगूठों और हथेलियों पर खड़े रहते हैं। ऐसा करने से आपका बैलेंस कमाल का बन जाता है। इसे आपके सीधे खड़े रहने में काफी मदद मिलती है। इस बैलेंस का सीधा फायदा आपको अपनी डेली लाइफ में देखने को मिलेगा। तीसरा, मसल्स डेंसिटी। पुशअप करते समय मसल के अंदर जो सेल्स होती है वो टूटती हैं और उसके बाद उनकी जगह पर नई सेल्स बनती है। मसल्स बिल्ड करने का तरीका कुछ इसी तरह से काम करता है। हम एक्सरसाइज करते हैं ताकि सेल्स को तोड़ सकें और डाइट लेते हैं ताकि टूटी हुई मसल्स को ग्रो कर सकें। पुशअप के समय ये सेल्स के टूटने की प्रक्रिया काफी अच्छे से काम करती है। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग कोर। 5 से 6 मिनट तक अपने अंगूठे और हथेलियों के बल पर बैलेंस बनाकर रखें और टीके रहने से आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती कि आपकी कोर पर कितना असर पड़ता है। गलत पोस्चर में बैठने या चलने से हमारी कोर काफी कमजोर हो जाती है जिसे हम पुशअप करके फिर से मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों ये थे पुशअप करने के कुछ शानदार फायदे, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। पुशअप के भी फायदे तो हैं लेकिन उससे जुड़े नुकसान भी हैं जिन्हें हम रिस्क कहते हैं। ये रिस्क तब उत्पन्न होती है जब आप रोजाना 30 पुशअप करते हैं। रिस्क नंबर 1 ये है कि अगर आप पुशअप करते समय ठीक पोस्चर में नहीं है या फिर आपको पुशअप करना नहीं आता तो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। पुशअप करते समय शरीर में एक नियंत्रण का होना बहुत जरूरी होता है जो कि टेंशन और रिलैक्सेशन के बीच बैलेंस बनाकर चले। अगर आपका पोस्चर सही नहीं है तो आप लंबे समय तक के लिए खुद को चोटिल कर सकते हैं और ऐसा होने के बाद आप कभी एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो खुद को फिट रखना चाहते हैं तो साथ ही पुशअप करते समय अपने पोस्चर पर बहुत ध्यान दीजिए। यह आपका आगे का जीवन निर्धारित कर सकता है। आपको लगा कि वीडियो में बताया गया है कि एक बार 30 से 40 पुशअप करने से लगभग 300 कैलोरी तक बर्न की जा सकती है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझनी है कि आपका शरीर कोई मैथ्स नहीं है। आप गुणा भाग करके 30 से 40 पुशअप को रोजाना का 70, 80 या 100 से 200 बना देंगे और सोचेंगे कि एक्स्ट्रा कैलोरी बर्न होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा बल्कि आप खुद बर्न आउट हो जाएंगे और आपके शरीर में आपको कमजोरी और इंजरीज देखने को मिलेगी। इस बात को याद रखिए कि सेल्स के टूटने के बाद नई सेल्स बनने में और परफॉर्मेंस के प्रोसीजर में समय लगता है, इसीलिए आपको अपने शरीर को प्रॉपर रेस्ट देना है। रिस्क नंबर 3, अगर आप इस रिस्क का सामना करते हैं तो आपको इसका मतलब ये होगा कि आपकी मेहनत सफल हो रही है। ये रिस्क है प्लैटिनम इफेक्ट। इस इफेक्ट में होता यह है कि हमारा शरीर हमारे रूटीन को अडॉप्ट कर लेता है। यानी कि अगर आप रोजाना 30 पुशअप कर रहे हैं तो कुछ समय बाद आपको लगेगा कि 30 पुशअप तो कुछ है ही नहीं।
ऐसे में चैलेंज को बढ़ाइए और पुशअप की संख्या को 40 के पार ले जाइए और इसी तरह हर 10-15 दिन में रिव्यू करके आप पुशअप की संख्या घटा और बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं उन टिप्स की जो पुशअप करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। टिप नंबर 1, अपने पोस्चर पर ध्यान दें। जितना अधिक हो सके चेक करने की कोशिश करें कि आप सही पोस्चर में एक्सरसाइज कर रहे हैं या नहीं। अगर आपके पास किसी ट्रेनर का एक्सेस नहीं है तो आप अपनी वीडियो बनाकर फेसबुक पर अपलोड करके राय मांग सकते हैं। फेसबुक पर कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जहां पर फिटनेस एक्सपर्ट्स खुद वीडियो को चेक आउट करते हैं और सलाह देते हैं। टिप नंबर 2, कहा जाता है कि अति ही अंत है, इसलिए अत्यधिक पुशअप ना करें। पहले एक रूटीन बनाएं और चाहे वो 10 पुशअप प्रतिदिन का ही रूटीन क्यों ना हो, और उस रूटीन से खुद को स्टिक करें। 10 से 15 दिन चलाने के बाद ही रूटीन का बदलाव करें। अपने शरीर पर एक बार में बोझ डालना बहुत दिक्कत भरा हो सकता है और इससे आपको बहुत सारी इंजरीज भी हो सकती है। टिप नंबर 3, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि एक भी पुशअप नहीं कर पाते और एक भी पुशअप ना कर पाने के कारण वो गिव अप कर देते हैं। अगर आप एक भी पुशअप नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। पुशअप को प्लैंक का एक्सटेंडेड वर्जन माना जाता है जो कि प्लैंक से ज्यादा मुश्किल होता है। अगर आप पुशअप नहीं कर पा रहे हैं तो प्लैंक करना शुरू करिए। 1 से 1.5 महीने तक प्लैंक करने से आपकी कोहनी और हथेलियों के बीच का हिस्सा मजबूत होगा और आप देखेंगे कि आप पुशअप कर पा रहे हैं। टिप नंबर 4, ये आखिरी टिप है और ये काफी जरूरी भी है। पुशअप को कंप्लीट एक्सरसाइज कहा जाता है जो कि सही भी है, लेकिन पुशअप लेग्स के लिए एक कंप्लीट एक्सरसाइज नहीं है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी लोअर बॉडी अपर बॉडी जितना ही लीन हो तो लोअर बॉडी के लिए आपको पुशअप से अलग कुछ करना होगा। रनिंग इसके लिए काफी अच्छा सोल्यूशन साबित हो सकता है। टिप्स के बाद अब बारी है उन पुशअप्स की जो आप वेट लॉस के लिए कर सकते हैं। नंबर 1, एवरेज पुशअप। साधारण पुशअप भी वेट लॉस में एक अच्छी भूमिका निभाती है। आप शुरुआत में से कुछ दिनों के लिए ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद आगे बताई जा रही कुछ और पुशअप पर हाथ आजमा सकते हैं। नंबर 2, वॉल पुशअप। इसे साधारण पुशअप की तरह किया जा सकता है, बस आपको जमीन की जगह दीवार पर टेक लगानी है। ये वेट लॉस में काफी कारगर साबित होता है। 3, इनक्लाइन टोज। इस पुशअप को करने के लिए कुर्सी रखें और उस पर अपने हाथ रखें और पैर के अंगूठे के बल पर खड़े हो जाएं। जैसे आप सामान्य पुशअप में होते हैं, कुर्सी पर अपने हाथ रखने के बाद पुशअप करें। 4, इनक्लाइन नीज। इस टाइप को करने के लिए पीछे घुमाकर अपने हाथों को कुर्सी पर रखें और उसके बाद खुद को इस तरह से ऊपर नीचे ले जाएं कि कोहनी और कंधे के बीच 180 डिग्री और 90 डिग्री का कोण बने। 5, क्लैप पुशअप। पिछली 4 में मास्टर के बाद आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसे करने के लिए पुशअप की फॉर्म में आए, हाथों को उछाले, ताली बजाएं और फिर नीचे आए। ये काफी मुश्किल पुशअप मानी जाती है और आपको इसे अपना ऑल टाइम गोल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था पुशअप का विकिपीडिया। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए ज्ञान टीवी को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।